G7 शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था कि वो एक हफ्ते के अंदर पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में फैसला करेंगे और अब ट्रंप ने इस डील से हटने का ऐलान कर दिया है। डील से पीछे हटने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो अपने अमेरिकन वर्कर्स फर्स्ट के वादे को पूरा कर रहे हैं और इससे बेहतर डील की अपेक्षा रखते हैं। यही नहीं, ट्रंप ने इस डील से पीछे हटने की वजह भारत और चीन को बताया। ट्रंप का कहना है कि इस समझौते में भारत और चीन के लिए सख्त प्रावधान नहीं किए गए हैं, जबकि ये दोनों देश प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बता दें कि ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान से ही पेरिस क्लाइमेट डील के खिलाफ थे। चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा था कि इस डील की वजह से US इकोनॉमी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए वो इस समझौते को रद्द कर नया समझौता करेंगे। क्या है पेरिस क्लाइमेट डील? पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, जिस पर 195 देशों ने साइन किए थे। इस समझौते के अनुसार अमेरिका 2025 तक 2005 के स्तर से 26-28% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाला दुनिया का दूसरा देश है। ओबामा ने की निंदा। पेरिस क्लाइमेट डील कराने में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन ट्रंप द्वारा इस डील से अमेरिकी को अलग करने के बाद उन्होंने ट्रंप की निंदा की है। ओबामा ने कहा कि ट्रंप के फैसले से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब होगा। NMF News की रिपोर्ट।